फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप पूछना चाहते हैं कि अभी अभी नीट का रिजल्ट आया और जिन बच्चों ने सिलेक्शन हासिल किया है उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ज़रा भी निराश ना हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई, बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई, बहुत सारे, और आपको ज़रा सा भी एक इतना सा भी परसेंट आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटे मोटे फेलियर होते हैं जो कि ओवरकम हो जाते हैं ज़िंदगी में, यदि आप में परसिवरेंस है तो। 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने नीट दिया था, जिसमें से 7 लाख से अधिक क्वालिफाई किए हैं। 119 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब कि 50% जो है 119 है, लेकिन कट ऑफ लगभग 540 के करीब गया। अब इसमें ऐसा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज कांटेक्ट करना शुरू कर देती हैं अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए, और फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या अब्रॉड का एमबीबीएस करना है या नहीं करना है, और करना है तो किन लोगों को करना है। देखिए, अब्रॉड में जो सबसे अधिक जो कंट्रीज ये करवाती हैं, जैसे रशिया, चाइना, जॉर्जिया, फिलीपींस, ये सबसे अधिक हैं, फिर और भी हैं कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पर होता है जहाँ भारतीय बच्चे जाते हैं। वहाँ पर जाने के पहले आपको जो नीट है ना, इसी नीट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेना होगा। जैसे 119 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तब आपको एमसीए का एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप अब्रॉड में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप 6 साल लगभग पढ़ते हैं, और उसके बाद जब लौटते हैं तो फिर से आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जो आमतौर पर इन बच्चों को कठिन एग्ज़ाम लगता है। उसका परसेंटेज जो यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकने के लिए जो एलिजिबिलिटी का एमसीआई क्राइटेरिया, उसको पास करना होता है उस एग्ज़ाम को, और वो मतलब आप ये जो नीट से बच कर वहाँ गए अब्रॉड, आपको लौट कर एक एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि डेफिनेटली वो नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे वहाँ जाने वाले बच्चे यहाँ लौट कर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। और तो ये इसकी एक प्रोसीजर है। आमतौर पर जो लगने वाला पैसा है इसमें 25 लाख से 30 लाख के तकरीबन लगता है, आमतौर पर 30 लाख लगी जाता है क्योंकि बाकी खर्चे भी होते हैं आपके, और ये खर्च लगभग 25 से 50 के बीच भी रह सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये तो रही प्रोसीजर। अब बात यह है कि आपको अपने पेरेंट्स के 25 से 50 लाख रुपए खर्च करवाकर घर से बहुत दूर क्यों जाना है पढ़ने, और क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या वहाँ की यूनिवर्सिटी उतना ही एजुकेशन देती हैं जो इंडिया में। तो देखिए, जहाँ तक मेरा एक स्टूडेंट था जो चाइना से पढ़कर आया था, जो MD कर रहा था मेरे अंडर में, साथ ही साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रशिया से लौट कर आए हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मेडिसिन का भी हैं, एनेस्थीजिया के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन देखिए ये पुरानी बात हो गई। अब उनको एक तो उस वक्त एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना होता, अभी ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है, लौट कर। दूसरा ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में इतना डेस्परेशन किस वजह से है आपको, कि आपको आना ही है हर हालत में, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके घर से इतने दूर रह के, तो किन बच्चों को इसमें आना चाहिए। देखिए, जिनके घर में पैसों की बहुत ही मतलब लोन एटलीस्ट आप नहीं ले, आपके पेरेंट्स को लोन के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लोन लेकर यदि आपको जाना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत स्टेप है। मेडिकल प्रोफेशन में रिटर्न होने के बाद आप सिर्फ MBBS होंगे, और उसमें भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एक दूसरा, MBBS के बाद आजकल वैल्यू नहीं है MBBS की, जब तक कि आप PG ना कर लो, जिस और PG करने के लिए भी कठिन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे PPG कहते हैं या नीट कहते हैं आप, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, तो वो भी बेहद कठिन है, वो भी निकालना होगा, और आप में यदि पोटेंशियल बहुत कम था नीट निकालने का, तो उस एग्जाम को निकालने का भी पोटेंशियल कम ही होगा, ठीक है। तो जब तक आप PG नहीं करेंगे आप बहुत अच्छा काम नहीं सीखेंगे। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर एग्जाम्स वगैरह नहीं होते, ना ही यहाँ इंडिया जैसी कठिन पढ़ाई होती है, लेकिन इंडिया में भी MBBS में भले बहुत थ्योरी पढ़ाई जाए, लेकिन डॉक्टर्स जो MBBS करने के बाद बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए
ट्रेन नहीं हो पाते, उनको पीजी करना होता है इसके लिए, या अलग से ट्रेनिंग हाउस जॉब वगैरह लेना होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एमबीबीएस करने के बाद। तो जब रशिया के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो वो भी ये करने से ट्रीटमेंट वगैरह करना सीख जाते हैं, और अल्टीमेटली दे कैन बिकम अ गुड डॉक्टर, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, क्या आपका माइंडसेट उसको रिकवर करने का रहेगा? मेडिकल प्रोफेशन इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा पेइंग इनिशियल स्तर पर तो नहीं है, ठीक है, जो शुरुआती जैसे एमबीबीएस किया आपने और इमिजिएटली एमडी करके फ्रेशर रहे, क्योंकि सैचुरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंजीनियरिंग और वकालत में बहुत तेज़ी से सैचुरेशन बढ़ा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, तो एमबीबीएस में भी सैचुरेशन बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन शहरों में ज़्यादा है और मैक्सिमम लोग शहरों में रहना चाहते हैं, गांव में जो है वो गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छा नहीं मिले जैसा आप चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है, यदि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक टर्म्स में भी देखें, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यदि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं और घर से बहुत रिच नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा कि आप इतने पैसे लगाकर इसे करें। कब करना है? यदि आपके घर में ऑलरेडी डॉक्टर हैं, मम्मी पापा या पापा, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका ऑलरेडी हॉस्पिटल है जिसको आपको लौट कर रन करना है, तो डेफिनेटली आपको कहीं से भी कैसे भी करना ही होगा, ठीक है। या आप बहुत रिच हैं और आप किसी भी तरह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, इसका डेस्परेशन है आपको सिर्फ, और एक क्वालिफाइड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन कहलाना चाहते हैं, वो है। अदरवाइज देखिए कि डॉक्टर होना इंडिया में एक ना तो बड़ी बात मानी जाती है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सर सर बुलाएंगे, लेकिन आप जिस भी ऑफिस में जाएंगे आपको डॉक्टर जैसे ही सुनेंगे तो वो ज़्यादा पैसे आपको लूटना की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर को जो सुपरफिशियल स्तर पर रिस्पेक्ट अधिक मिलेगी यहाँ पर, भारत में उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू हमारे देश में जो पावर वाले पद होते हैं, जैसे कि IAS IPS, उसमें जो रिस्पेक्ट और आपके इर्द गिर्द जो एक चमचों की फौज हो जाती है, वो वैसा मिलता है। डॉक्टर को रिस्पेक्ट कब मिलती है? डॉक्टर को रिस्पेक्ट जब वो परफॉर्मेंस कम्युनिटी लेवल पर कर चुका होता है, जैसे कि वेल एस्टेब्लिश हो जाए, उसका नाम हो जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर माना जाने लगे, तब उसको पैसा आता है, तब उसके पास रिस्पेक्ट आती है, तब उसको लोग जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ डिग्री होने या सिर्फ डॉक्टर लिख जाने की वजह से कोई आपको आजकल इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप चाहे देख लीजिए ट्रेन्स में या कहीं भी, और आप बोल के देखिए कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इट्स नॉट इनफ, आपको डिलीवर करना होगा डॉक्टर बनने के बाद रिस्पेक्ट पाने के लिए, ठीक है। और डिलीवर करना इतना आसानी, देखिए ये जो 30 40 50 लाख रुपए जो आपने खर्च किया, उससे बेटर है कि आप BBSC जैसे वेटनरी साइंसेज बहुत अच्छा है वो कर सकें, फिजियोथेरेपी कर सकें, ऑडियोलॉजी कर सकें, इस तरह के कोर्सेज करके आप अपना सेटअप क्लिनिक का वो 30 40 50 लाख उसमें डाल दीजिए, ठीक है, जो आपको आप वहां जाके इन्वेस्ट करने वाले थे, क्योंकि अभी आपकी बैटल खत्म नहीं हुई। फॉरेन से लौटने के बाद आपको PG 3 साल करना है, उसके लिए पहले एंट्रेंस देना है, या तो आप फिर फॉरेन से फिर पैसा लगा के PG करेंगे, या फिर यहाँ के प्राइवेट से करेंगे PG। एक प्राइवेट सीट का 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च हो जाता है, कुछ प्राइवेट सीट्स 10 लाख 11 लाख में भी होती हैं, ऐसे करके तो PG करने में भी बहुत पैसा लगेगा। उसके बाद फिर उसको क्लिनिक सेटअप यदि आप चाहते हैं तो, या तो आप जॉब्स के भरोसे रहेंगे तो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे नहीं, जहां तक मनी की बात है, और इनिशियल प्लेसमेंट आपको ठीक है मिलेगा 70,000 प्लस, एक MD डॉक्टर डिफरेंट फील्ड्स के कमाते हैं 70,000, फिर वो अप टू 2-3 लाख के जॉब भी मिलते हैं, लेकिन ये सबको नहीं होता है और हर शहर में नहीं होता है, ठीक है। आपकी क्या कहाँ पर प्रायोरिटी है रहने की, ये सब पर भी डिपेंड करेगा। तो यही 3 क्राइटेरिया, यदि आप बहुत रिच हैं घर से, एक डॉक्टर है मम्मी पापा, या आपको इतना डेस्परेशन है कि आपको किसी भी हालत में डॉक्टर का टैग चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत डेस्परेशन है, इसको आप थोड़ा सा सोचिए। और डॉक्टर लगाने के दूसरे भी तरीके हैं अपने नाम के आगे, आप BBCA कर लीजिए, DBPT कर लीजिए, BMS कर लीजिए, इन सब में भी डॉक्टर BHMS कर लीजिए, डॉक्टर आपके नाम के आगे होगा। तो ये थी मेरी सलाह अब्रॉड को लेकर। नीट काउंसलिंग शुरू होंगी, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा नीट के लिए, और स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके लिए वो स्टेट वाले नोटिफिकेशन वेबसाइट्स पर या अपने अखबारों में देंगे, ठीक है। थैंक यू।